एक चीज आप लोग समझ लो, अगर आप बिहार दरोगा प्री दे रहे हो, ठीक है, और जो भी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, जो हमने फॉलो किया था, जिस चीज को फॉलो करके हमने ये एग्जाम निकाला था, वही चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो हर एक वीडियो जो भी डालता हूँ उसको अंत तक देखिए। ये वीडियो टोटली मैथ्स, बहुत लोग पैनिक हो रहे कि सर मैथ्स में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, पूरी जिम्मेदारी वो मैं लेता हूँ। प्री हो चाहे मेंस हो, मैं जो बताऊंगा वहां से आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर आप अंतर्यामी हो क्या, सुबह से शाम तक पेपर के साथ ही बैठता हूं मैं, ठीक है, और वही एनालिसिस करता हूं, मैं खुद भी एग्जाम दिया था, ठीक है। चाहे अगर मेंस वाले कोई बच्चे देख रहे हो जो मुझसे पढ़े, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि हमेशा याद रखना, मेंस में आपका जो एडवांस मैथ से जो क्वेश्चन आएगा वो सर्कल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आएगा, और अगर आपको, अगर आपने मेंस दिया तो अगर वो चीज आपको पता होगा, ठीक है। और जो हमसे ऑलरेडी प्री बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो प्री बैच में जुड़े हुए हैं उनको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जितने लोग भी हमसे प्री बैच में जुड़े हुए हैं, विदाउट एनी सिंगल डाउट आपका 100% सिलेक्शन होगा, प्री प्लस मेंस भी, ठीक है। आप एकदम मत घबराइए, मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में खुद पढ़ाऊंगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, अगर अभी से आप प्रिपेयर करते हो तो कौन से टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन सियोर सोटे पूछे जाएंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए। वीडियो अंत तक देखना है अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो 2 स्टार आपके शोल्डर पे लगे हो जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप बिहार दरोगा प्री दे रहे हो इस बार और चाहते हो कि इस बार ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, एक भी नंबर या 2 नंबर से अगर छूट जाता है तो जो रिग्रेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो चाहते हो कि इस बार ही सिलेक्शन हो जाए तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, जो भी चार्जेस रखा गया उसको देख के आप हमारे इस वीडियो कोर्स से जुड़ सकते हो, ठीक है। अभी पूरा का पूरा इसमें जीएस करवाया जा रहा है, और मैं फिर से बोलता हूँ जितने लोग भी इससे जुड़े हो अभी जीएस और करेंट अफेयर से फोकस करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैथ्स रीजनिंग आप मुझ पर छोड़ दीजिए, स्पेशली प्री में रीजनिंग नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा अभी। तो जो बैच में है फुल्ली फोकस्ड रहिए करेंट अफेयर्स और जीएस पे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। चलिए देखिए, 5 नंबर जो है आपका पक्का है, ठीक है। 5 नंबर जो जो भी मैंने एग्जाम निकाला, चाहे ईएसआई का हो चाहे दरोगा का हो, इसमें सबसे मेरा एडवांटेज ये था कि मुझे मैथ्स काफी सही से आता था, ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें बहुत ही 30 मार्क खानबल आपका मैथ्स आता है, ठीक है, बहुत ही ईजी मैथ्स आते हैं, बट ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस भी आपको दिखाता हूँ जो लास्ट दरोगा का एग्जाम होता है उसके, ठीक है। अगेन, अगर आप दरोगा दे रहे हो और चाहते हो कि इस बार ही सिलेक्शन हो जाए, मैं फिर से बोलता हूँ मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा था अपने समय में, ठीक है, वही चीज़ आपके सामने रखूंगा, वही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप ये सोच के मत ये कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा कि सब चीज़ मैं पढ़ाऊँ, सब चीज़ में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा और वो मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये नॉमिनल चार्जेस दे के इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा आपका। चलिए देखिए, कुछ टॉपिक जो मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके निकाला है, ठीक है, पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, बस मैथ्स के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। देखिए, और आपको किस तरीके से मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, जब मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा या जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा कि जादुई मैथ्स किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कम समय में किसी भी क्वेश्चंस को समझ के। देखिए, सबसे पहले आप जो सबसे पहले कंप्लीट करोगे वो है आपका ये, सबसे पहले आप परसेंटेज कंप्लीट करोगे, अच्छे तरीके से आप परसेंटेज कंप्लीट करोगे, ठीक है, उनमें खुद भी करवाऊंगा आपको, परसेंटेज आप कंप्लीट करोगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो खुद से कर सकते हैं उनको भी यही चीज फॉलो करना है, ठीक है। परसेंटेज करोगे, देखो परसेंटेज आप जैसे ही कंप्लीट करोगे उसके बाद इससे 2 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कर पाओगे, पहले परसेंटेज करने के बाद साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज करने के बाद इस पे जंप करना है, उसके बाद आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये जो 3 टॉपिक है आप एक बार में खत्म करोगे, ठीक है, परसेंटेज, SICI और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम, मेनली आपको क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाए, पर देखा गया है कुछ एग्जाम में बिहार के कि बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको। तो अगर आप परसेंटेज, ठीक है, करने के बाद SICI प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हो, ठीक है,
तो अगर आप दूसरा कोई टॉपिक अगर आप करना चाहते हो तो आप जब भी करो, ठीक है, जब भी करो, अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस करते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस के साथ बोट एंड स्ट्रीम भी करो, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ, ठीक है। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद बोट एंड स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है, मतलब समय गति वाला है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क, तो पहले आप ये करो, ठीक है, इससे और परसेंटेज, SIC एंड प्रॉफिट लॉस, तीन टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप परसेंटेज सीखोगे तो परसेंटेज से ही को रिलेटेड होता है टाइम रेशियो, ठीक है, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्यों बोलो, क्योंकि 100% मतलब क्या होता है 1, 50% मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, 25% मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है, 20% मतलब 1/5, तो ये क्या, ये रेशियो है, रेशियो इनडायरेक्टली जो होता है वो परसेंटेज बताता है हमें, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, तो परसेंटेज करने के बाद, ठीक है, आप SICI प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि परसेंटेज के बाद पहले टाइम एंड रेशियो कर दो, ताकि आपका समझ और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम एंड परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद आप SICI प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों, मतलब ये कितना होगा, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन, और ये चार टॉपिक, चार टॉपिक आपको एक साथ करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क एक साथ करना है, साथ में बोट एंड स्ट्रीम भी। उसके बाद अगर जब आप रेशियो और परसेंटेज आप समझ जाओगे तो मिक्सर एंड एलिगेशन आप बहुत ही इजिली कर लोगे, और मैं आपको खुद करवाऊंगा, आप देखोगे क्वेश्चन, देखोगे आंसर करोगे, ठीक है। उसके बाद मिक्सर एंड, तो इतना आपको पहले करना है। और अगेन, अगर आप थोड़ा मास्टर हो या आपकी मैथ्स रीजनिंग मैथ्स अच्छी है, तो अगर आप कुछ भी एडवांस से करना चाहते हो तो दो चीज आपको करना है, एडवांस से मैं बता देता हूँ। सर्कल और ट्रेंगल का प्रॉपर्टी जितने भी है, आपको जो सर्कल और ट्रेंगल एक साथ मिला के किया जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज में भी पूछा गया था कि अगर ये सर्कल है तो ये अगर सेंटर से अगर मैं ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ कितना एंगल बनाएगा 90, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई अगर सेम कॉर्ड से बनता है इस तरीके से, ठीक है, सेम अगर ये कॉर्ड से कोई ट्रेंगल बनता है तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, मतलब सर्कल और ट्रेंगल में जो मिला के प्रॉपर्टी होते हैं ज्योमेट्री के, वो आपको करना है। एक चैप्टर आप और कर सकते हो, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या बनना है, बट अभी आप ये इतना स्टार्ट कर दो बेसिक, और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको करना है। अगर आप मैथ्स रीजनिंग में कुछ करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज के क्वेश्चन और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन, बस आपको इतना करना है, ठीक है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए, दो तीन क्वेश्चन, थोड़ा ये अनक्लियर होगा, पर देखो पहला क्वेश्चन जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया, सिंपल ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया कि एक खंबा एक खंबे को पार करता है तो उसका पूरा स्पीड क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो जब ये दूसरा क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो MP का कंसेप्ट जरूर पढ़ना, इसका मैं सुपर कंसेप्ट बताऊंगा कि देख के आप आंसर कैसे मार सकते हो ये सब, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वाला आप कंसेप्ट या अंकित मूल्य वाला जो होता है वो वाला कंसेप्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर देखिए, ये MP बेस्ड क्वेश्चन है, अंकित मूल्य वाला, ठीक है। अगेन CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और आपका जो साधारण ब्याज पे क्वेश्चन होता है, सिंपल। तो ये क्या था आपका टाइम एंड डिस्टेंस का था, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब एक चीज देखो कि दोनों में आपका परसेंटेज यूज होगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो परसेंटेज निकालने बोलेगा, आपको परसेंटेज जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और आपका साधारण ब्याज और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें ही वो पूछ लेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना है कि मेंटेलिटी उसका क्या है। अगेन ये आपका क्या है, ये है आपका, इसको एलिगेशन बोल लो आप। देखो एलिगेशन कोई नया चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये रेशियो और परसेंटेज को मिला के ही बनता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एलिगेशन से पूछा था, जिसमें आप रेशियो भी यूज कर सकते हो, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का तो क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो अभी तक देखा गया, ठीक है, ऐसे तो सिलेबस में ये है नहीं, बट ये आपको समझना होगा कि आजकल जो एग्जाम हो गया काफी डायनेमिक हो गया, ठीक है। देखो कुछ लोग ऐसे जो चार चार साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो अभी आए, तो दोनों कंपीट कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या कर दिया गया, एग्जाम डायनेमिक कर दिया गया, मैथ्स के पोर्शन बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स के पोर्शन बढ़ा दिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग इजिली, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी एक बेटर, ठीक है, पेपर मिले और वो भी सॉल्व कर पाए। नहीं तो सब GK डाल देंगे, स्टैटिक वाले तो जो पहले उनका ही एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो एग्जाम पूरा डायनेमिक हो गया, इवन साइंस के क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और आपके जो करंट अफेयर्स में उसमें भी साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जा रहा है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। घबराना नहीं है, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर अभी तक भी इस कोर्स से नहीं जुड़े हो, ठीक है। देखिए 10 जगह से पढ़ने से अच्छा, मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप एक जगह ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है, और मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है।
सो धन्यवाद, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे और बहुत ही टिक्स और ट्रिप्स वाले वीडियोस आपके आते रहेंगे, ठीक है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, कि वीडियोस आते रहेंगे और करंट अफेयर्स में जल्दी चालू करने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में ड्रिल कर सकूँ। सो धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।